हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, 20 साल बाद कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नियमित करने की तैयारी, 2 माह का मिला समय। ये मामला कौन सी यूनिवर्सिटी का है? ये है NLU जोधपुर, यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से रिलेटेड ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये मामला है। अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर तथ्य पेश की भास्कर की खबर। तो दोस्तों, जोधपुर के अंदर स्थित NLU यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रहे थे, गेस्ट शिक्षक कार्य कर रहे थे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दिया गया आदेश है, उससे जुड़ी हुई ये अपडेट है। ये बड़े आश्चर्य की बात है और बड़े शर्म की बात है कि जिस इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की उपाधि मिली हुई है, या जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के अंदर शामिल किया गया है, वहाँ पर 20 साल से जो जितना भी टीचिंग स्टाफ है वो सारा का सारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ही कार्य कर रहा है। बोलिए, अब हर साल नया स्टाफ आता है, पुराना वाला जाता है, नया आता है, इसी प्रकार से चलता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ था उनके द्वारा पेश की गई याचिका के ऊपर डिसीजन दे दिया है और विश्वविद्यालय को ये आदेश दिया है कि इनको जो है परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए। पूरी न्यूज क्या है वो आप इसमें विस्तार से देखिए। ये मैं आपके लिए इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। ये अपन इसको विस्तार से देखते हैं। ये देखिए आप, जोधपुर के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों के कॉन्ट्रेक्चुअल होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को नियमित करने पर सहमति जताई है, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय ने 6 माह का समय मांगा है। इस मामले में प्रस्तुत शपथ पत्र के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने NLU को कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ शिक्षक व कर्मचारियों को 2 माह में नियमित कर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक याचिका में सुनवाई के दौरान NLU शिक्षकों के अधिवक्ता की ओर से दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर को तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ये न्यूज दैनिक भास्कर के अंदर प्रकाशित हुई थी। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बना करके शायद आपको इसके बारे में जो है जानकारी प्रदान की थी। ये देखिए, जोधपुर NLU स्थापना वर्ष 2000 में हुई, तब से यहाँ किसी भी कर्मचारी या शिक्षक को नियमित नहीं किया गया है। यहाँ हर व्यक्ति की नौकरी एक एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रिन्यू होती है, लेकिन कुलपति 5 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। वहीं गत बार तो कुलपति प्रोफेसर पूनम सक्सेना को 10 वर्ष तक कार्य करने का मौका दिया गया था। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद पर राज्य सरकार की ओर से IAS अधिकारी को जिम्मा सौंपा जाता है, लेकिन वर्तमान में नियमानुसार किसी कुलपति को कार्यभार नहीं सौंपा गया है। रजिस्ट्रार पद का निर्वहन भी कॉन्ट्रैक्ट पर लगे वित्तीय नियंत्रक कर रहे हैं, जो नियमानुसार गलत है। तो ये तो देखिए स्थिति है, एक जो लॉ की पढ़ाई कराती है ऐसी यूनिवर्सिटी जो विद्यार्थियों को कानून की जानकारी देती है, वो खुद ही स्टाफ को कानून के अकॉर्डिंग नहीं रख रही है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, कोर्ट ने दिए थे ये निर्देश। कोर्ट ने कहा कि NLU इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, जिससे ये आशा नहीं की जा सकती कि वहाँ रोजाना लोग अंदर आएँ और बाहर जाएँ, क्योंकि उनकी नौकरी कॉन्ट्रेक्चुअल है। अब समय आ गया है कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि संस्थान खुद इस व्यवस्था को सुधारे, बजाय इसके कि कोर्ट को इसे ठीक करना पड़े।
अधिवक्ता ने मांगा समय। एनएलयू के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें कुछ समय दिया जाए जिससे वे अपने बिंदु को एनएलयू जोधपुर प्रशासन को ढंग से बता सकें। एनएलयू शिक्षकों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ऋषभ संचेती ने कोर्ट में दैनिक भास्कर की खबर की कटिंग प्रस्तुत की। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में कुलपति पद पर उम्रदराज प्रोफेसरों को चार्ज दे रखा है और कुलपति भी कॉन्ट्रेक्चुअल व्यक्ति है। देखिए आप स्थिति देखिए, ये कमेटी गठित की प्रक्रिया के लिए 6 माह का समय था मांगा गया था। इसको मैं आगे आपको और विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये देखिए, इससे 182 शिक्षकों और कर्मचारियों को होगा फायदा, जो पिछले 20 सालों से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर कार्य कर रहे हैं, मामूली पेमेंट के ऊपर जो है कार्य कर रहे हैं, जिनका भविष्य सुरक्षित नहीं था, ऐसे शिक्षकों को, ऐसे कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि योग्य और क्वालिफाइड स्टाफ का इस प्रकार से जो है हाल कर रखा गया था, ठीक है। देखिए, गौरतलब है कि ये आदेश प्रशांत मेहता बनाम एनएलयू याचिका में दिए हैं। एनएलयू जोधपुर ने वर्ष 2016 में साइंस फैकल्टी को बंद कर फैकल्टी में कॉन्ट्रेक्चुअल आधार पर कार्यरत शिक्षकों को निकाल दिया था। प्रकाशित समाचार को देख सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत चिंता का विषय है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो विधि शिक्षा का अग्रणी पंक्ति का विश्वविद्यालय है, वह केवल कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के आधार पर संचालित हो रहा है। ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट को ऐसा बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में आए एक संशोधन में कुछ नए रेगुलेशन आए हैं, जिसमें 50% नियमित व 50% कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का प्रावधान है, लेकिन उसे भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार केवल 10% कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हो सकता है। एनएलयू के अधिवक्ता ने कहा कि एनएलयू जोधपुर अनुदानित विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय को 2 माह में प्रक्रिया पूर्ण कर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे करीब 182 कर्मचारी और शिक्षकों को फायदा होगा। ये देखिए, इसमें दैनिक भास्कर का भी बहुत बड़ा योगदान है। दैनिक भास्कर ने गत 29 अगस्त को विश्वविद्यालय में कार्यवाहक वीसी फिक्स पेमेंट व रजिस्ट्रार कॉन्ट्रैक्ट पर शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। तो दैनिक भास्कर के अंदर प्रकाशित ये जो खबर है, इसको आधार बना करके और वकील ने यह मामला जो है इसको पुख्ता किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस खबर को जो है सही मानती हुई इसके इसका फेवर किया है। देखिए अब आगे, एनएलयू कॉन्ट्रेक्चुअल को नियमित करने की प्रक्रिया 6 माह में पूर्ण करेंगे। देखिए पूरी न्यूज़ देखिए, जोधपुर के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों के कॉन्ट्रेक्चुअल होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को नियमित करने पर सहमति जताई है, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय ने 6 माह का समय मांगा है। इस मामले में प्रस्तुत शपथ पत्र के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने एनएलयू को कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ यानी शिक्षक व कर्मचारी को 2 माह में नियमित कर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक याचिका में सुनवाई के दौरान एनएलयू के शिक्षकों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता की ओर से दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर को तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जोधपुर एनएलयू की स्थापना वर्ष 2000 में हुई, तब से लेकर अब तक यहाँ किसी भी कर्मचारी अथवा शिक्षक को नियमित नहीं किया गया है। यहाँ हर व्यक्ति की नौकरी 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रिन्यू होती है, लेकिन कुलपति के रूप में जिसे नियुक्त किया जाता है उसे 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। वहीं गत बार तो कुलपति प्रोफेसर पूनम सक्सेना को 10 वर्ष तक कार्य करने का मौका दिया गया था। वहीं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पद पर राज्य सरकार की ओर से आईएएस अधिकारी को जिम्मा सौंपा जाता है, लेकिन वर्तमान में ना तो नियमानुसार किसी कुलपति को कार्यभार सौंपा गया है और ना रजिस्ट्रार के पद का निर्वहन भी कॉन्ट्रैक्ट पर लगे वित्तीय नियंत्रक कर रहे हैं।
जो नियमानुसार गलत है। इस संबंध में दैनिक भास्कर के 29 अगस्त 2023 के अंक में विश्वविद्यालय में कार्यवाहक विषय फिक्स पेमेंट व रजिस्ट्रार कॉन्ट्रैक्ट पर समाचार प्रकाशित किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। तो ये तो हालात लॉ यूनिवर्सिटी का है, जो खुद विद्यार्थियों को लॉ की जानकारी प्रदान करती है, और ये विद्यार्थी आगे चल करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में जो है प्रैक्टिस करेंगे, अधिवक्ता बनेंगे, इनमें से कई सारे लोग आगे चल करके जज बनेंगे। ठीक है, तो जब ये स्थिति है कि इनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो परमानेंट नहीं हैं, 20 सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल निम्न तनख्वाह पर, कम वेतन पर कार्य कर रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे जो शिक्षक हैं जिनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, जिनको योग्यता के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसे शिक्षक जो है क्या अपनी पूरी कैपेसिटी से, अपनी पूरी क्षमता से टीचिंग का कार्य करा सकते हैं? तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, साथ ही साथ में दैनिक भास्कर का भी धन्यवाद कि 20 सालों के पश्चात आखिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्य करने वाले शिक्षक थे, कर्मचारी थे, उनको न्याय मिला और अब वो परमानेंट हो सकेंगे। उनके लिए दिवाली जो है हैप्पी दिवाली हो, इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।